देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूँ आपके साथ निकिता पांडे। अक्सर हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें अपने दिल की बात बताने घबराते हैं इस डर से कि कहीं वे हमें रिजेक्ट न कर दें। हालांकि वैलेंटाइन वीक का दूसरा दिन आपको मौका देता है अपने दिल की बात का इजहार करने के लिए। वैलेंटाइन वीक के पहले दिन रोज डे था, आज 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जा रहा है। इस दिन आप हिम्मत जुटाकर अपने स्पेशल वन से कह दें कि आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा हटके यानी यूनिक होना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं अपने स्पेशल वन को प्रपोज करने के लिए कुछ टिप्स, जिससे आपका होने वाला या वाली पार्टनर इम्प्रेस हो जाए और झट से हाँ बोल दे। अगर आप किसी लड़की से प्यार का इजहार करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वह कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो लेकिन दिल से हिंदुस्तानी है। बेहतर होगा कि प्रपोजल में जल्दबाजी ना करें, पेशेंस से काम करें और उनके दिल की बात पहले समझें, फिर अपनी बात रखें। किसी से प्यार करने का इजहार करने से पहले ये जान लें कि कहीं वह किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं, या क्या आप जिसे पसंद करते हैं वह किसी दूसरे को पसंद तो नहीं करते। सबसे पहले उन्हें यह महसूस कराएं कि वह औरों से अलग है और आपके लिए इतने स्पेशल क्यों है। अब बात अगर लॉन्ग डिस्टेंस की करें तो आप किसी कारण अपनी पार्टनर से दूर हैं, तब आप आज के दिन उन्हें सुबह सुबह वीडियो कॉल करके प्रपोज कर सकते हैं। गिफ्ट तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप अपने पार्टनर को प्रपोज करते समय एक प्यारा सा गिफ्ट जरूर साथ रखें। अपने पार्टनर को एक रोमांटिक गाना गाकर भी प्रपोज कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि वह गाना उन्हें पसंद आना चाहिए। एक यूनिक तरीके का डिनर प्लान भी कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए सबसे अच्छा तो ये होगा कि अगर आपको अपने पार्टनर से दूर रहते हुए काफी समय हो गया और बिजी शेड्यूल के कारण आप दोनों मिल नहीं पा रहे, तो आप आज के दिन अचानक जाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं और प्रपोज भी कर सकते हैं। तो आप सभी को हैप्पी प्रपोज डे। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।